दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोग को बताएंगे कि रोड के किनारे जो पत्थर लगी हुई है इसका क्या मतलब होता है, क्या आप इनका मतलब जानते हैं? चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं। भारत के राजमार्गों में मील के पत्थर रंगीन क्यों होते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सड़क के किनारे रंग बिरंगे मील के पत्थर होते हैं? अलग अलग जगह पर इनका रंग बदल जाता है, यानी हाईवे पर सफर करते वक्त मील के पत्थर या माइलस्टोन का रंग बदलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि सड़क के किनारे या हाईवे पर मील के पत्थर क्यों होते हैं, क्यों ये अपना रंग बदलते रहते हैं? मील के पत्थर एक प्रकार का पत्थर है जो हमें बताता है कि निश्चित स्थान से हमारा कितना दूर है। भारत में सभी सड़कों पर एक जैसे मील के पत्थर नहीं होते हैं, यह निर्भर करता है हाईवे पर जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला और गांव की सड़कों के लिए अलग अलग रंग की पट्टियां वाले पत्थर होते हैं। भारत के राजमार्गों में मील के पत्थर रंगीन क्यों होते हैं? चलिए फर्स्ट नंबर पर हम बताते हैं आपको मील के पत्थर या माइलस्टोन पर पीले रंग की पट्टी क्यों होती है। जो पीले रंग की पट्टी आप देख रहे हैं, इस पर पीले रंग की पट्टी क्यों होती है? सड़क पर चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त किनारे में एक ऐसा पत्थर दिखे जिसका ऊपरी हिस्सा पीला रंग का हो तो समझ जाए कि आप नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि पीले रंग का पेन माइलस्टोन या मील का पत्थर भारत में अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही लगाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे NH किसे कहते हैं? चलिए हम आपको इसको भी बता देते हैं। नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ये भारत का प्रमुख राजमार्ग है जो सभी शहरों और राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नेशनल हाईवे को भारत सरकार यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनुरक्षण किया जाता है। NH 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होता है और इन हाईवों के उत्तर से दक्षिण कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि उत्तर से दक्षिण जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से भारत के दक्षिण सिरे यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और पूर्व से पश्चिम गुजरात से पोरबंदर तक, गुजरात में पोरबंदर को असम से सिलचर के साथ जोड़ता है। मील और सेकंड नंबर आपको बताते हैं जो ग्रीन रंग का कलर देख रहे होंगे आप, मील के पत्थर या माइलस्टोन पर हर रंग की पट्टी क्यों दी जाती है? इसका मतलब चलिए आपको हम बताते हैं। जब आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्थर दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं बल्कि राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। भारत में जब सड़कों का निर्माण राज्य द्वारा होता है तो हरे रंग के माइलस्टोन या मील के पत्थर लगाए जाते हैं और इन सड़कों की देखभाल पूर्ण रूप से राज्य सरकार करती है। राज्य मार्ग नेशनल स्टेट हाईवे राज्य मार्ग की लंबाई लगभग 1.5 लाख किलोमीटर होती है और राज्य द्वारा प्रत्येक क्षेत्र राज्यों में प्रवेश और शहरों में अंतर संपर्क स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि जो काले कलर की पत्थर है ये क्या बताते हैं, जैसे ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। माइलस्टोन पर काले, नीले या सफेद रंग की पट्टी का मतलब क्या होता है? जब आपको सड़क पर काले, नीले या सफेद रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन दिखे तो समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं। साथ ही वह सड़क आने वाले जिले के नियंत्रण में आती है। इस सड़क की देखभाल उसी शहर के प्रशासन द्वारा ही की जाती है। जब आप माइलस्टोन पर नारंगी रंग की पट्टी देखें तो तब आप समझ जाइए, जब आपको सड़क के किनारे नारंगी रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन या मील का पत्थर दिखता है तो समझ जाइए कि आप किसी गांव की सड़क पर हैं। यह पट्टी प्रधानमंत्री सड़क योजना रोड का प्रतिनिधित्व करती है। आप दोस्तों समझ गए होंगे कि जो येलो कलर है, जो ग्रीन कलर है, जो ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर का क्या मतलब है, इसके रोड के किनारे क्यों दिया जाता है। दोस्तों
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को जरूर दबा दें ताकि न्यू वीडियो की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।